अभी पूजा, हमने हाल ही में वीगन स्नैक की रेसिपी डाली थी, तो तेरे को कैसी लगी वो रेसिपी? मुझे आपका ये वीगन स्नैक जो है ऑनेस्टली बहुत पसंद है, और इसकी आपने जो रेसिपी डाली है ना, अमेजिंग, थैंक्स वो रेसिपी शेयर करने के लिए। और मैं दीदी एक चीज़ सोच रही थी कि आप कुछ ऐसा स्नैक्स लाइक बनाना जो लोग बाहर से खाते हैं, कुछ ऐसा क्यों नहीं ट्राई करते? जैसे कि क्या लोग ज़्यादा खाते हैं बाहर से? मोमोज। मोमोज? और आज हमने फ्रेश टोफू भी बनाया है, तो क्यों ना हम टोफू के ही मोमोज बनाएं, ट्राई करते हैं। ठीक है। टोफू मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम टोफू लिया है, दो बारीक कटे प्याज, कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मोमोज बनाने के लिए चलिए सबसे पहले टोफू का मसाला बनाते हैं। मीडियम सेक पर कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें एक करछी तेल डाल लीजिए। पहले अदरक डालिए, फिर लहसुन, और दोनों को अच्छी तरह से भून लीजिए। भुनने के बाद उसमें प्याज डाल दीजिए और फिर हरी मिर्च। उसके बाद हम टोफू डालेंगे, जिसे आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं या उंगलियों की मदद से छोटा छोटा तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम एक छोटा चम्मच नमक का डालेंगे और एक छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का, फिर कटा हुआ धनिया। जो मैदा हमने गूंदा हुआ था उसे हथेलियों की मदद से बेल लीजिए और एक एक इंच के टुकड़े में काट लीजिए। अब इन टुकड़ों को एक एक कर पतला पतला बेल लीजिए। बेलने के बाद इसमें एक छोटा चम्मच तैयार किया हुआ टोफू का मिक्सचर डाल लीजिए। तैयार की हुई मैदे की रोटी के किनारों को उंगलियों की मदद से गीला कर लीजिए। दोनों हाथों की उंगलियों की मदद से रोटी को आधा फोल्ड करिए और दबाते हुए उसकी छोटी छोटी चुनटे बनाते जाइए। अगर आप चुनटे नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपली इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको मिला के चिपका दीजिए। स्टीम मोमोज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इडली के खांचे का इस्तेमाल किया है, उस पर हल्का सा तेल लगाकर मोमोज को 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिए। पूजा को पर्सनली फ्राइड मोमोज पसंद है, इसलिए चलिए हम थोड़े से मोमोज को फ्राई कर लेते हैं। जब मोमोज गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो वो सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इन मोमोज को अपनी मनपसंद किसी भी हॉट सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर आप अपनी हॉट सॉस बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मोमोज तो हमने सारे खा लिए, पर वाकई में वो बहुत अच्छे बने थे। हमने दो तरह के मोमोज बनाए थे मैदे और आटे का इस्तेमाल करते हुए। लोग ये समझ के खा गए कि उसमें हमने पनीर डाला है, पर एक्चुअली में उसमें हमने घर का बना टोफू इस्तेमाल किया था। ये रेसिपी उन लोगों को खास तौर पे पसंद आएगी जो अपने खाने में पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको भी अच्छी लगेगी, और हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।